मध्य प्रदेश की राजनीति इस वक्त बेहद ही दिलचस्प दौर से गुजर रही है। एक ओर जहां प्रदेश सरकार के मंत्री लगातार ग्राउंड पर कार्यों का जायजा लेते नजर आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के नव निर्वाचित सांसद भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से पीछे नहीं हट रहे हैं। स्वच्छता पर देश भर में पहला स्थान पाने वाले इंदौर शहर में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। सोमवार को उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने निगम के अधिकारियों के साथ काना सरस्वती नदी सफाई के साथ तालाबों के शुद्धिकरण कराने का निरीक्षण किया, तो मंगलवार को इंदौर के सांसद शंकर लालवानी महापौर मालिनी गौड़ के साथ पानी शुद्धिकरण के लिए बनाए जा रहे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लेने के लिए पहुंचे, जिसके बाद सांसद शंकर लालवानी ने मंत्री जीतू पटवारी पर तंज कसते हुए ये कहा कि पूरा काम नगर निगम कर रही है, इसमें मंत्री श्रेय लेने की जो है वो राजनीति ना करें। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के आने के बाद लगातार फंड में दिक्कतें आ रही हैं, जिसे दूर करने की मांग भी सांसद ने मंत्री से की है। सभी एसटीपी प्लांट के हमने माननीय सांसद जी, कमिश्नर साहब, हमारे जनकार्य के अध्यक्ष बलराम वर्मा जी और सभी लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ आज दौरा किया कि काम जल्दी से जल्दी हो जाए। हम तो नगर निगम को करना है, सभी लोग यदि इस शहर के लोग स्वच्छता में साथ दिया है और इसमें भी साथ दे रहे हैं नदी बहने में, तो अच्छा है। प्रदेश के मंत्री ने कल दौरा करा, मैं आपके माध्यम से उनको बोलना चाहूँगा कि नगर निगम इतना अच्छा काम कर रही है महापौर जी के नेतृत्व में, उनको ये करना चाहिए शासन से जो राशि नगर निगम को मिलना चाहिए वो तुरंत दे ताकि काम विकास की तेजी से बढ़े।